नमस्कार, वेलकम टू भूगोल शाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी दो शब्दों के मेल से बना है, ज्वाला और मुखी। ज्वाला का तात्पर्य है आग या अग्नि, और मुखी यानी धरातल का ऐसा मुख जिससे ज्वाला या आग निकलती है। तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? या पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली जो आग है उसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वाला या आग क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहां पर चट्टाने मेल्ट रहती है, यानी लिक्विड फॉर्म में वहां पर चट्टाने पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान बहुत अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण से ही वहां की चट्टाने पिघली हुई फॉर्म में रहती हैं। और इसी के साथ में जब चट्टाने पिघली हुई फॉर्म में होती हैं, मैग्मा कहलाती हैं। उस मैग्मा के साथ में ही हाइड्रोजन नाइट्रोजन जैसी 60% गैसें निकलती हैं, साथ में ही जलवाष्प या फिर जल निकलता है, और साथ में ही राख निकलती है। ये सभी पदार्थ सम्मिलित रूप से धरातल के आंतरिक भाग से सतह की ओर धक्के लगाते हैं, और दरार के सहारे या किसी केंद्रीय उद्भेदन से विस्फोट के साथ सतह पर प्राप्त होते हैं और ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब आता है कि ज्वालामुखी क्यों उत्पन्न होते हैं, सतह पर प्राप्त क्यों होते हैं, क्या कारण है? तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति का कारण है कि सतह से दाब का हटना या सतह पर किसी स्थल के भाग का दबाव या भार का बढ़ जाना। तो दाब या भार के बढ़ जाने के कारण से ज्वालामुखी आते हैं, क्योंकि किसी स्थान पर चट्टानों का भार अत्यधिक हो जाता है और किन्हीं स्थानों से चट्टाने हट जाती हैं। तो आंतरिक भाग से जो मेल्ट हुई चट्टाने हैं वो धाराओं के सहारे ही सतह पर प्राप्त होती हैं। दूसरा कारण है प्लेट विवर्तनिकी। या फिर प्लेट संचलन के कारण से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? जब प्लेटें सरकती हैं या भूखंड है वो सरकते हैं, इसी के कारण से प्लेटों के बीच में कुछ हलचल होती है, और उन प्लेटों के टकराव के सहारे या दरार के सहारे मैग्मा सतह पर प्राप्त होता है और ज्वालामुखी की प्राप्ति होती है। इसी के बाद नेक्स्ट कारण है हॉटस्पॉट के कारण से। ये हॉटस्पॉट क्या होते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेट के बीच में, जिसका संबंध कोरमेंटल सीमा से होता है, और लगातार एक नलिका के सहारे ज्वाला या फिर लावा या मैग्मा की प्राप्ति सतह पर होती रहती है। ऐसे क्षेत्र को हॉटस्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। अब आते हैं ज्वालामुखी के साथ में कौन कौन से मटेरियल हमें सतह पर प्राप्त होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान हमें सबसे पहले तो सतह पर प्राप्त होता है लावा या मैग्मा। अब लावा और मैग्मा में अंतर क्या होता है? जब पिघली हुई चट्टाने पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहती हैं तब उन्हें कहा जाता है मैग्मा, और वही मैग्मा का भाग जब सतह पर प्राप्त होता है यानी बाहर आ जाता है धरातल पर, तो उसे लावा कहा जाता है। नेक्स्ट, लावा के साथ में ही प्राप्त होता है जल, जो कि जलवाष्प के रूप में यानी एक भाप के रूप में जल हमें प्राप्त होता है। अगला आता है विभिन्न गैसें हमें प्राप्त होती हैं। तो विभिन्न गैसें कौन कौन सी हैं? जो कि 60%, 60 से लेकर के 90% गैसें हमें प्राप्त होती हैं। वो गैसें कौन कौन सी हैं? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, सल्फर। ये सभी गैसें हमें ज्वालामुखी के द्वारा प्राप्त होती हैं। अब लावा या मैग्मा के जो टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो अलग-अलग प्रकार से होते हैं।
इसी के साथ में हमें धूल भी प्राप्त होती है, ज्वालामुखी धूल जिसे हम कहते हैं। तो लावा के पार्टिकल्स अलग अलग फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं, जिनका अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आता है लेपिली, ये कैसा होता है, मटर या फिर अखरोट के दानों के समान संरचना हमें सतह पर प्राप्त होती है, लावा के टुकड़े होते हैं ये, जो जिन्हें कहा जाता है लेपिली। तो लेपिली हमें सतह पर प्राप्त होता है, इसी के साथ में ज्वालामुखी धूल या फिर टफ जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी राख। तो इसमें धूल राख या टफ भी हमें सतह पर प्राप्त होता है। अगला आता है लावा, जिसे आप जानते हैं वो भी हमें प्राप्त होता है। फिर आता है स्कोशिया, स्कोरिया। अब स्कोरिया क्या होता है, चने के समान जब हमें चट्टानों के टुकड़े सतह पर प्राप्त होते हैं, ऐसे छोटे छोटे चने के समान की आकृति वाले। लेपिली में बड़े दाने होते हैं मटर या अखरोट के समान, और स्कोरिया में चने के समान चट्टानों के टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं। फिर आता है ब्रेशिया। तो ब्रेशिया क्या होती है, स्कोरिया के साथ में ही, जैसे स्कोरिया है यानी चने के दाने हैं, उन चने के दानों के समान चट्टाने प्राप्त होती हैं, और उन्हीं चट्टानों के साथ में गैस के बुलबुले भी साथ में होते हैं, तब उसे कहा जाता है ब्रेशिया। तो गैस और प्लस में स्कोरिया को कहा जाता है ब्रेशिया। फ्यूमिस या झामक, इसमें विभिन्न चट्टानों के टुकड़े होते हैं और गैसों के बुलबुले सम्मिलित रूप से हमें प्राप्त होते हैं, उसे फ्यूमियस कहते हैं। ब्रेशिया में स्कोशिया के ही बहुत सारे रूप प्राप्त होते हैं, ब्रेशिया कहलाता है। तो इस प्रकार से ये सभी पदार्थ हमें ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान प्राप्त होते हैं। ये ऐसे मटेरियल हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह पर प्राप्त होते हैं। और वाल्केनो के आने के कारण कौन कौन से हैं, दाब का बढ़ना या दाब का हटने के कारण से प्लेटों में मूवमेंट होते हैं, और मूवमेंट के कारण से, प्लेटों के मूवमेंट जब होते हैं, जब दो प्लेटें आमने सामने से आकर के टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे धस जाती है और हल्की प्लेट ऊपर चढ़ जाती है। अब क्या होता है कि जब भारी प्लेट जो कि नीचे धस गई है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक है, अधिक तापमान होने के कारण से नीचे गई जो चट्टान है या नीचे गई जो प्लेट है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और पिघलने के बाद ऊपर वाली चट्टान को धक्के लगाने लगती है, और साथ में ही जो दरार है या जो भ्रंश है उसी के सहारे लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से प्लेटों के सरकने के कारण से और प्लेटों के मूवमेंट के कारण से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी हमें प्राप्त होता है। तो ज्वालामुखी किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो ज्वालामुखी सतह पर प्राप्त होने पर, जब सतह पर ज्वालामुखी हमें प्राप्त होता है तो वो एक नलिका के सहारे ऊपर आता है, जिसे ज्वालामुखी नलिका कहते हैं, और इस प्रकार से ये ज्वालामुखी उद्गार है जिसमें विभिन्न गैसें हैं, लावा है, राख और पानी सम्मिलित रूप से बाहर की ओर उद्भेदित होते हैं। अब ज्वालामुखी से जब लावा हमें प्राप्त होता है, तो जिस स्थान पर हमें ज्वालामुखी प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है बाहर की ओर, उसे कहा जाता है वेंट। ठीक है, जिस नलिका के माध्यम से हमें ज्वालामुखी प्राप्त होता है, तो जिस मुख पर हमें ज्वाला प्राप्त होती है, जिस मुख के सहारे ज्वाला बाहर निकलती है, उसे कहा जाता है ज्वालामुखी क्रेटर। क्रेटर या फिर
अब आते हैं ज्वालामुखी क्रेटर जब बड़ा हो जाता है या धस जाता है। इस प्रकार से ये बनी चट्टाने हैं, और अगर ज्वालामुखी विवर या क्रेटर गहरा हो जाता है, उसमें गड्ढा हो जाता है, या फिर जो नीचे की ओर धस जाने के कारण से एक गर्त नुमा संरचना होती है यानी विस्तारित हो जाती है, तो क्रेटर जब विस्तारित हो जाता है, जब ज्यादा स्थान घेरता है और नीचे की ओर धस जाता है, ऐसा अत्यधिक ज्वालामुखी आने के कारण से होता है, तब उसे कहा जाता है कॉल्डेरा। अब ज्वालामुखी कॉल्डेरा ऐसे स्थानों पर जहां पर अब वर्तमान में ज्वालामुखी नहीं आ रहे होते हैं, तब ज्वालामुखी कालडेरा में वर्षा का पानी भर जाने के कारण से या किसी अन्य माध्यम से भी जल प्राप्त होता है, और यहाँ जो गड्ढा या गर्त बनता है उसमें पानी भर जाता है, जिसे कहा जाता है कॉल्डेरा या फिर क्रेटर झील। अब आते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी बेसिकली दो आधारों पर विभक्त किए जा सकते हैं। सबसे पहला है उद्गार की अवधि के आधार पर। उद्गार की अवधि से तात्पर्य है कि ज्वालामुखी है वो लगातार आ रहे हैं, या एक बार किसी स्थान पर आए हैं अब वर्तमान में नहीं आ रहे हैं, या फिर ऐसे स्थान जहां पर पहले ज्वालामुखी कभी आता था लेकिन अब आगे उसके आने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से उद्गार की अवधि यानी समय के साथ में ज्वालामुखी का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो वो तीन प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है आता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है सुप्त ज्वालामुखी। अब सक्रिय वाले ज्वालामुखी से तात्पर्य है एक्टिव वोल्केनो, प्रसुप्त का अर्थ है डोरमेंट ज्वालामुखी, और अगला है एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। अब इनका अर्थ क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी कहलाते हैं जिनका उद्गार या जिनका जिनका विस्फोट होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनका उस जिनका विस्फोट लगातार होता रहता है, वो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे माउंट एटना इटली, ठीक है, स्ट्रॉम्बली ज्वालामुखी, ये सभी एक्टिव वोल्केनो के उदाहरण हैं। जैसे माउंट किलयू, जहां पर लगातार उद्भेदन होता रहता है, तो कंटिन्यूस जब सक्रिय ज्वालामुखी वहां पर आते रहते हैं, इसके कारण से वहां का जो लावा निकलता है वो लावा कम गाढ़ा होता है, और इसके द्वारा कंटिन्यू उद्भेदन होता रहता है। अब आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट ज्वालामुखी में। तो डोरमेंट ज्वालामुखी कौन से होते हैं? ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो भूतकाल में कभी आए थे और अब कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसा ज्वालामुखी जिसका उद्भेदन कभी भी हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखी सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा होने वाले उद्गार की अवधि के बीच में जो लावा निकलता है तो वो काफी गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा लावा का जब उद्भेदन होता है तो वो विस्फोट के साथ में उत्पन्न होता है। इसी के कारण से प्रसुप्त ज्वालामुखी विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है माउंट विशुवियस,
माउंट अबूस। आदि। अब नेक्स्ट देखिए, सुप्त ज्वालामुखी। अब ये सुप्त वाले ज्वालामुखी कौन से होते हैं जिनका कभी उद्भेदन हुआ था, जिनका कभी विस्फोट हुआ है, लेकिन वर्तमान में इसके आने की संभावनाएं हैं वो बिल्कुल नगण्य है या बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसे ज्वालामुखी जैसे माउंट रेनियर, माउंट सास्ता, साथ में ही क्राकाटोवा ज्वालामुखी जो कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, लेकिन सुप्त वाले ज्वालामुखी माउंट वुड, माउंट रेनियर, माउंट सास्ता ज्वालामुखी हैं, और साथ में ही म्यांमार का माउंट पोपा। किलिमंजारो जो कि तंजानिया का सुप्त ज्वालामुखी है, कभी ज्वालामुखी का विस्फोट यहां पर हुआ है लेकिन वर्तमान में इसके आने की संभावना ना के बराबर है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है, पहला क्लासिफिकेशन है उद्गार की अवधि के आधार पर, और दूसरा क्लासिफिकेशन है लावा उद्गार स्वरूप के आधार पर, यानी निकलने वाले लावा के स्वरूप के आधार पर कितने प्रकार के ज्वालामुखी हैं। तो बेसिकली ये ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, और दूसरा है दरारी उद्गार से उत्पन्न वाले ज्वालामुखी। तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी जो होते हैं वो दो प्लेटों के बीच में अब भी सारी सीमा जहां पर होती है, तो प्लेट के दशाओं के कारण से निचली वाली जो सैल होती है, निचली वाली जो चट्टाने हैं उनके पिघलने के कारण से उत्पन्न ज्वालामुखी होते हैं जो किसी एक केंद्र के सहारे उत्पन्न होते हैं। या फिर इसमें सबसे पहले केंद्रीय उद्गार वाले हैं, इनका आगे क्लासिफिकेशन करें तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हवाई अंतुल्य नंबर एक है, नंबर दो वाला स्ट्रांबली, स्ट्रांबलियन ज्वालामुखी, नंबर तीन पर विशुवियस ज्वालामुखी, नंबर चार पे आता है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, और नेक्स्ट फाइव नंबर पे आता है वाल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। अब इनके बारे में हम जानते हैं, सबसे पहले हैं केंद्रीय उद्गार वाले जिनको हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। अब हवाईयन द्वीप पर आने वाले ज्वालामुखी जो कि एक हॉटस्पॉट के सहारे आते हैं, क्योंकि एक प्लेट के बीच में आने वाले ज्वालामुखी हैं जिनका संबंध कोरमेंटल सीमा से होता है, और सतह पर कंटिन्यूस ये ज्वालामुखी आते रहते हैं। हवाईयन द्वीप पर आने वाले ज्वालामुखी मोनोलेया, मोनोकेया और किलयु ज्वालामुखी है, जिसमें किलयु सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और मोनोकेया प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके द्वारा मोनोलेया भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आते हैं स्ट्रांबलियन ज्वालामुखी। तो स्ट्रांबलियन ज्वालामुखी भूमध्य सागर में आते हैं, नेक्स्ट है विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी को पिलनी विसुवियस ने खोजा था, तो इसका नामकरण पिलनी विसुवियस के नाम पर रखा गया है। विसुवियस ज्वालामुखी जो भी भूमध्य सागर में ही आते हैं।
भीषण उद्गार के साथ में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आता है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी का निकलने वाला लावा अत्यंत गाढ़ा होता है और एक अत्यधिक विस्फोट के साथ उत्पन्न होता है, जो कि क्राकाटोआ जापान का ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। अब आते हैं वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, जिसके द्वारा निकलने वाला लावा भी अत्यधिक गाढ़ा होता है और फूल गोभी के समान उद्गार के साथ में उत्पन्न होता है। तो ये थे ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार की अवधि के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी जो कि प्लेटों के सहारे आते हैं या प्लेट के बीच में आते हैं। तो प्लेटों के अपसारी और अभिसारी सीमा के सहारे आते हैं या प्लेट के बीच में आने वाले ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट है दरारी उद्भेदन, जो कि पर्टिकुलर अपसारी प्लेट मार्जन के सहारे आते हैं, जिससे कटक का निर्माण होता है। आप देखते हैं वॉल्केनो, तो ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर की सतह से पिघली हुई चट्टानों के विस्फोट को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण से होता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत अधिक तापमान होते हैं और उसी अधिक तापमान के कारण से वहां की चट्टाने हैं वो पिघली हुई फॉर्म में पाई जाती हैं। तो ज्वालामुखी, ये देखिए ज्वालामुखी आते कहाँ से हैं, पृथ्वी की ये सीमा भूप्रपट्टी, क्रॉड और मेंटल। तो भूप्रपट्टी, मेंटल और क्रॉड तीनों के ही दो दो पार्ट पाए जाते हैं, जैसे भूप्रपट्टी, ऊपरी भूप्रपट्टी यानी अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। नेक्स्ट है मेंटल, तो अपर मेंटल, लोअर मेंटल। नेक्स्ट है अपर क्रॉड और लोअर क्रॉड, इनर या आउटर क्रॉड क्रॉड। अब देखिए जो पृथ्वी का ऊपरी वाली लेयर है, जिसे हम कहते हैं ऊपरी भूप्रपट्टी या आउटर कोर, आउटर क्रस्ट, ठीक है। तो अपर क्रस्ट वाला भाग और लोअर क्रस्ट वाला भाग। अब ज्वालामुखी आते कहां से हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंने आपको ये बताया था कि मेंटल के दो भाग हैं, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल वाले भाग में पिघली हुई फॉर्म में चट्टाने पाई जाती हैं, ठीक है। अर्ध द्रवित अवस्था में ये लेयर है अपर मेंटल वाली, जिसको हमने एस्थेनोस्फीयर कहा था। एस्थेनोस्फीयर कहा था, और एस्थेनोस्फीयर से दरार के सहारे या केंद्रीय उद्गार के सहारे ज्वालामुखी हमें सतह पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक छिद्र होता है, जिसके माध्यम से लावा, ज्वालामुखी राख और अन्य गैसें और साथ में ही पानी निकलता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट आंशिक रूप से विघटित गैस के दबाव से प्रेरित होते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट क्या होते हैं, एक गैस के प्रेशर के कारण से या धाराएं जब ऊपर की ओर धक्के लगाती हैं सतह के, तब चट्टान को तोड़ करके या सतह को तोड़ करके विस्फोट के सहारे ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। अब आते हैं ज्वालामुखी विस्फोट की शुरुआत पृथ्वी की पपड़ी के निचले हिस्से में सबसे पहले मैग्मा के निर्माण होने से और फिर पृथ्वी की क्रस्ट यानी विशाल सलेब से बनी हुई है, यानी ये परत दर परत बनी हुई है। तो उन स्लेब से बनी हुई है जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है, और प्लेट की मूवमेंट होने के कारण से उन दो प्लेटों के किनारों के सहारे सहारे भूकंप या ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी की मेंटल ऊपरी स्थिति को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, यानी मेंटल की ऊपरी लेयर
या भूप्रपट्ट की निचली वाली लेयर के बाद में जहां मेंटल की सीमा शुरू होती है वहां पर एस्थेनोस्फियर कहा जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में वहां पर चट्टाने पाई जाती है। यह एक कमजोर क्षेत्र है, इस कमजोर क्षेत्र में पिघली हुई चट्टाने पाई जाती है जो सतह की ओर अपना रास्ता खोजते हैं। क्यों? क्योंकि किसी कमजोर जो चट्टान है उसके किनारे पर या फिर उन दो प्लेटों की सीमाओं के सहारे रास्ता खोजते हैं और बाहर की ओर सतह पर प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाने वाली पिघली हुई चट्टानों को हम मैग्मा कहते हैं, और वही मैग्मा जब हमें सतह पर प्राप्त होता है तो उसे हम लावा कहते हैं। अब आते हैं कि वॉल्केनिक गैस, वायुमंडल में छोड़ी गई गैसों का सबसे बड़ा भाग जल वाष्प है। यानी जल हमें किसके रूप में प्राप्त होता है? जल वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। इसी के साथ में बहुत सारी गैसें प्राप्त होती हैं जिनका प्रतिशत 60 से 90% होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, मीथेन होती है, और साथ में ही आर्गन गैस का भी उद्भेदन होता है। इसमें से कुछ गैसें विस्फोट से दूर राख के कणों में स्थानांतरित तो हो जाती हैं, जबकि अन्य गैसें लवण और एरोसोल बनाती हैं। अब एरोसेल एरोसोल क्या होते हैं? धूल के कण, नमक के कण और राख के कण सम्मिलित रूप से जब वायुमंडल में जाते हैं तो उसे एरोसोल कहा जाता है। तो सम्मिलित रूप से जो वेस्ट मटेरियल है, यानी धूल, नमक के कण होते हैं, इन्हें हम एरोसोल्स कहते हैं। अब आते हैं लावा कितने प्रकार का होता है। तो लावा का प्रकार सबसे पहला है फेलेसिक लावा, इसे सिलिकिक लावा भी कहते हैं। इसमें सिलिका का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। तो फेलेसिक लावा में सिलिका की मात्रा 60% से भी अधिक पाई जाती है। फेलेसिक लावा चिपचिपाहट अत्यधिक होती है। देखो, अब लावा दो प्रकार का होता है, एक तो जैसे पानी के जैसा और दूसरा शहद के जैसा। तो जिस प्रकार से पानी के जैसा जो लावा होता है, पानी जैसा लावा होता है वो क्षारीय लावा होता है, और शहद के जैसा लावा होता है यानी जो चिपचिपा होता है, जो गाढ़ा होता है, उसे कहा जाता है अम्लीय लावा। तो अम्लीय लावा होता है वो चिपचिपा होता है और गाढ़ा होता है, इसी के साथ जब वो विस्फोट के सहारे उत्पन्न होता है तो उद्गार वहां पर भीषण होता है। तो फेलेसिक लावा की चिपचिपाहट अत्यधिक होती है। अपने विस्फोट पर वे पाइरोक्लास्टिक निक्षेप बनाते हैं। पाइरोक्लास्टिक राख के समान मटेरियल होता है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती लावा, इन्हें एंडेसिटिक लावा के नाम से भी जाना जाता है। मध्यवर्ती लावा में सिलिका की मात्रा 52 से 63% के आसपास होती है। वे आमतौर पर खड़ी मिश्रित ज्वालामुखियों पर पाए जाते हैं। अब आता है कि तापमान यहाँ का 850 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक भिन्न होता है। चिपचिपाहट कम होती है। अपने विस्फोट पर वे फेनोक्रिस्ट बनाते हैं। तो फेनेक्रिस्ट टाइप का मटेरियल ये बाहर की ओर विस्फोट करते हैं। अब आता है माफिक लावा। ये माफिक लावा कौन सा होता है? इन्हें बेसाल्टिक लावा भी कहा जाता है, जिसमें सिलिका की मात्रा 45 से 53% पाई जाती है, और श्यानता का अर्थ है गाढ़ा होना, तो गाढ़ा अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये कम गाढ़ा होता है माफिक लावा, क्योंकि सिलिका की मात्रा इसमें 45 से 53% होती है। नेक्स्ट है सिल्ड ज्वालामुखी या बाल्ड बेसाल्टिक माफिक लावा द्वारा निर्मित होते हैं। अब ये सिल्ड और बेसाल्टिक लावा से मतलब है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक वाली भाग से आधी गहराई से जो ज्वालामुखी या जो लावा हमें प्राप्त होता है उसे हम माफिक लावा कहते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रामेफिक लावा। तो अल्ट्रामेफिक लावा में सिलिका की मात्रा 45% से भी कम पाई जाती है। क्रोमाटाइट और बोनानाइट अल्ट्रामेफिक लावा के प्रकार है।
अब आते हैं क्षारीय लावा में, तो क्षारीय लावा कम गाढ़ा होता है या कम श्यान होता है? अब देखिए, विषार धातु ऑक्साइड की उच्च सामग्री के साथ में सिलिकिक लावा का एक रूप है। क्षारीय लावा की सिलिका सामग्री फेरिक लावा और अल्ट्रामेफिक लावा के बीच में होती है। अब देखते हैं की पॉइंट्स। तो मैग्मा का तापमान 700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लावा का तापमान 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, यानी मैग्मा का तापमान अधिक होता है और लावा का तापमान कम हो जाता है जब वो सतह पर हमें प्राप्त होता है। आग्नेय चट्टान तब बनती है जब मैग्मा आंतरिक भाग से निकलता है और पिघली हुई चट्टान बनाता है, जिसे हम लावा कहते हैं। तो लावा के द्वारा उत्पन्न जो चट्टाने हैं या निर्मित जो चट्टाने हैं, उन्हें हम आग्नेय चट्टाने कहते हैं। अब आग्नेय चट्टान का तो अर्थ ही यही होता है कि आग से निर्मित चट्टाने। आग से निर्मित यानी ऐसे लावा से निर्मित होती हैं जिनका तापमान बहुत ही अधिक होती है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकली हुई चट्टाने जो कि मेल्ट फॉर्म में थी और बाहर आकर जो लावा जम गया उसके कारण से आग्नेय चट्टाने बन गई। अब आते हैं ज्वालामुखी विस्फोट मैग्मा तक्षो से उत्पन्न होते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट मैग्मा जहां पर लिक्विड फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, तो वहीं से सतह पर ज्वालामुखी प्राप्त होते हैं। मैग्मा में निलंबित क्रिस्टल और गैस के बुलबुले होते हैं। तो है कि मैग्मा तब उत्पन्न होता है जब पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रस्ट या मेंटल विभिन्न टेक्टोनिक सेटिंग्स में पिघलता है। मैग्मा तब उत्पन्न होता है जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टाने पिघली हुई फॉर्म में पाई जाती हैं और विभिन्न टेक्टोनिक हलचलों के कारण से वहां की दरार के सहारे या वहां के केंद्रीय भ्रंश के सहारे जब हमें प्राप्त होता है। तो देखो, सबडक्शन जोन, ये क्या होता है? सबडक्शन जोन होता है जब दो चट्टाने या दो प्लेटें आपस में या दो भूखंड आपस में आकर के टकराते हैं, यानी दो प्लेटें आपस में आकर के जब टकराती हैं तो उसके द्वारा भारी प्लेट नीचे धस जाती है और हल्की प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो जो भारी प्लेट नीचे धस जाती है, इनके बीच में एक क्षेपण क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है सबडक्शन जोन, यानी क्षेपण क्षेत्र। तो क्षेपण क्षेत्र के सहारे ज्वालामुखी प्राप्त होता है। महाद्वीपीय दरार क्षेत्र के सहारे, यानी महाद्वीपों के बीच में एक संकीर्ण दरार जब पाई जाती है, उस दरार के सहारे लगातार लावा का उद्भेदन होता रहता है या लावा का विस्फोट होता रहता है, जिसे हम महाद्वीपीय दरारी क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है मध्य महासागरीय कट के, जहां पर मध्य महासागरीय कटक है वहां पर ज्वालामुखी लगातार से विस्फोट होता रहता है। तो ऐसा कहाँ है? अटलांटिक महासागर में बीचों बीच अपसारी सीमा है, जिसमें यूरेशियाई प्लेट का मूवमेंट पूर्व की ओर है और अफ्रीकन प्लेट का मूवमेंट भी पूर्व की तरफ है। इसी के साथ में उत्तरी अमेरिकन प्लेट है वो पश्चिम की ओर गतिमान है और अटलांटिक की प्लेट जो कि उत्तरी अमेरिकी और उत्तरी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का ही भाग है, जिनका मूवमेंट है वो पश्चिम की साइड है। तब बीच में अपसारी सीमा का निर्माण होता है और इसी अपसारी सीमा के सहारे ज्वालामुखी आते रहते हैं, जिससे कटक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट वाला रीजन। तो हॉटस्पॉट एक प्लेट के बीच में ऐसा क्षेत्र होता है या ऐसा छिद्र होता है, उस छिद्र का या उस नलिका का सीधा संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग में है जहां का तापमान अधिक है,
यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग यानी क्रॉड से यानी कोर की सीमा से इसका संबंध है, और उस नलिका के सहारे लगातार ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है। अब आते हैं, मैग्मा आंतरिक भाग से बाहर निकल सकता है और ज्वालामुखी विस्फोट को जन्म दे सकता है, या पृथ्वी की दरारों के भीतर भी जमकर बांध सिल आदि का निर्माण कर सकता है। तो ये बांध और सिल है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनने वाली स्थलाकृतियां हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। सिलिका युक्त मैग्मा माफिक मैग्मा की तुलना में, सिलिका युक्त मैग्मा ठीक है, माफिक मैग्मा की तुलना में अधिक चिपचिपे होते हैं, अधिक गाढ़े होते हैं, और इसी के कारण माफिक मैग्मा सिलिका युक्त मैग्मा से अधिक गर्म होते हैं। तो माफिक मैग्मा आंतरिक भाग से आते हैं और सिलिका की मात्रा है वो लगभग भू प्रॉपर्टी या मेंटल की सीमा तक सीमित है। तो बिल्कुल आंतरिक भाग से यानी माफिक मैग्मा जब हमें प्राप्त होता है तो उसका तापमान अधिक होता है, क्योंकि वो आंतरिक भाग से या अधिक गहराई से उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार, तो ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार जो कि मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ, ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार हैं वो दो आधार पर हैं। सबसे पहला है उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार की अवधि के आधार पर तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त जो पहले कभी आए हैं लेकिन अब उनके आने की संभावना नहीं है। प्रसुप्त कौन से वाले हैं? जो कभी भी वापस से विस्फोट में आ सकते हैं या वापस से जिंदा हो सकते हैं, जो कि पहले मृत थे, जो कि सुप्त वाले ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं, लेकिन प्रसुप्त वाले ज्वालामुखी हैं वो फिलहाल मृत है लेकिन कभी भी वो जिंदा हो सकते हैं। अर्थात ये है कि अभी वहां पर लावा का या ज्वालामुखी का उद्भेदन नहीं हो रहा है लेकिन कभी भी वहां पर उद्भेदन हो सकता है या विस्फोट हो सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी जहां पर लगातार उद्भेदन होता रहता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है कि मैग्मा रसायन, तापमान, चिपचिपाहट, आयतन, भूजल की उपस्थिति और पानी और गैस की मात्रा कितनी है। ज्वालामुखी विस्फोट विभिन्न प्रकार के हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट, अब विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी अब क्या क्या बाहर की ओर निकलता है मटेरियल, उसके आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हाइड्रोथर्मल विस्फोट, ये कौन सा होता है? हाइड्रोथर्मल विस्फोट, इस विस्फोट में राख शामिल है न कि मैग्मा। तो इसमें मैग्मा की जगह पर राख की मात्रा अधिक होती है और हाइड्रोथर्मल प्रणालियों से पैदा होने वाले यानी गर्मी से संचालित होने वाले यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हीट जनरेट होती है उस हीट के साथ में ही जब राख निकलती है तो उसके द्वारा हाइड्रोथर्मल विस्फोट होते हैं। फाइटिक विस्फोट, यह जब प्रेरित होता है जब मैग्मा की गर्मी पानी के साथ संपर्क करती है, और इन विस्फोटों में मैग्मा और राख शामिल नहीं है। इसके अलावा इसमें जल भी होता है, ठीक है, मैग्मा राख और जल भी होता है। अगला आता है फाइटो मैग्मेटिक विस्फोट, ये कौन सा होता है? तो यह विस्फोट तब होता है जब नवगठित मैग्मा और पानी के बीच परस्पर क्रिया होती है। स्ट्रॉम्बोलियन या हवाईयन विस्फोट, तो हवाईयन तो हॉटस्पॉट वाले ज्वालामुखी है और स्ट्रॉम्बोलियन है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। तो हवाईयन विस्फोट में आग के फवारे होते हैं, जबकि स्ट्रॉम्बोलियन विस्फोट में लावा के टुकड़ों के साथ में विस्फोट होते हैं। तो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी में सिर्फ आग के फवारे होते हैं जो कि ज्यादा विनाशक नहीं होते हैं, जबकि स्ट्रॉम्बोलियन विस्फोट में लावा के टुकड़े भी साथ में होते हैं। और जब लावा के टुकड़े या फिर चट्टानी मटेरियल एक साथ में उद्गार के साथ बाहर निकलता है तो वो अत्यधिक विनाशकारी होता है। नेक्स्ट आता है वालकेनिक विस्फोट, ये विस्फोट थोड़े समय के लिए होते हैं और 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, यानी तीव्र उद्गार के साथ में उत्पन्न होने वाले ज्वालामुखी वालकेनियन तुल्य
विस्फोट वाले होते हैं, सब पिलियन या फिनियन विस्फोट। तो सब पिलियन विस्फोट 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जबकि पिलियन विस्फोट है वो 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वाल्केनिक इरप्शन। तो वाल्केनिक इरप्शन क्या होता है? ज्वालामुखी उद्भेदन। तो ज्वालामुखी उद्भेदन या ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी पांच प्रकार के होते हैं, जो कि मैं पहले आपको करवा चुकी हूं। सबसे फर्स्ट है हवायन तुल्य ज्वालामुखी, फिर आता है स्ट्रॉम्बोलियन ज्वालामुखी, फिर आता है विसुवियस ज्वालामुखी, फिर आता है पिलनियन ज्वालामुखी, वॉल्केनिक ज्वालामुखी है वॉल्केनियन ज्वालामुखी। तो वॉल्केनियन ज्वालामुखी जो 20 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक विस्फोट करते हैं, या फिर इनका विस्तार क्षेत्र 20 किलोमीटर तक होता है। वॉल्केनियन ज्वालामुखी होते हैं जिनका लावा है वो गाढ़ा होता है, और ये फूल गोभी के आकृति में उद्भेदन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। तो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी एक सक्रिय प्रकार है जिसमें लगातार उद्भेदन होता रहता है, जो लावा होता है वो कम गाढ़ा होता है, और यहां पर तीव्र आग की बौछारों के साथ में, यानी आग की लपटें निकलती हैं जो कि लगातार निकलती रहती हैं। हवायन तुल्य ज्वालामुखी जो है वहां पर सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। या हवायन द्वीप पर तीन ज्वालामुखी पाए जाते हैं, मोनोकेया और किलयु ज्वालामुखी, जो कि किलयु ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी सर्वाधिक पाया जाता है। फिर आता है स्ट्रॉम्बोलियन ज्वालामुखी। तो स्ट्रॉम्बोलियन ज्वालामुखी को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन शी कहते हैं। यह भी एक सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है जिसका उद्भेदन है वो लगातार होता रहता है, लेकिन अपेक्षाकृत हवाईयन द्वीप वाले ज्वालामुखी से गाढ़ा यहाँ का लावा होता है और होने वाला विस्फोट भी तीव्र होता है, जो कि 10 किलोमीटर तक प्रभाव क्षेत्र रखता है। फिर आता है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, जो कि सर्वाधिक भीषण विनाशकारी होता है और एक तीव्र उद्गार के साथ में उत्पन्न होता है, जो कि 55 किलोमीटर तक अपना प्रभाव क्षेत्र रखता है। एक विसुवियस ज्वालामुखी है, तो विसुवियस ज्वालामुखी की खोज पिलनी विसुवियस ने की थी, यानी पिलनी विसुवियस के नाम पर ही विसुवियस ज्वालामुखी का नामकरण किया गया है। जो कि भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। अब आते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। विस्फोट की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति का अर्थ है उद्गार की अवधि के आधार पर तीन प्रकार के ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, जिस ज्वालामुखी में विस्फोट बार बार होता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। इनका वेंट, वेंट क्या होता है? जहां पर ज्वालामुखी सबसे पहले उत्पन्न होता है तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वेंट कहलाता है। आमतौर पर खुला रहता है, उदाहरण के लिए, यानी ज्वालामुखी छिद्र हमेशा खुला रहता है। उदाहरण के लिए माउंट एटना, जो कि इटली में है, सिसली में है, और काटोपैक्सी, जो कि इक्वेडोर में है, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय
ज्वालामुखी है। स्ट्रॉम्बोली भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कॉटोपेक्सी इक्वेडोर में है। अब आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो कि डोरमेंट वॉल्केनोज होते हैं। ये ज्वालामुखी भले ही हाल ही में फटे नहीं हो, लेकिन कभी भी इनके फूटने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए माउंट विसुवियस जो कि इटली, और माउंट फ्यूजियामा जो कि जापान का ज्वालामुखी है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कभी भी आ सकते हैं। विलुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ज्ञात भूवैज्ञानिक काल के दौरान नहीं फूटे हैं। इनका छिद्र ठोस लावा से बंद रहता है, जिसके कारण से यहाँ का उद्भेदन नहीं हो सकता है। क्रेटर पानी से भर सकते हैं, क्योंकि इस क्रेटर का छिद्र है वो बंद हो चुका है, तो यहाँ पर पानी एकत्रित हो जाता है, जिसे क्रेटर झील का निर्माण होता है। इन भू आकृतियों के ढलान वनस्पति से आच्छादित भी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए माउंट पोपा जो कि म्यांमार का ज्वालामुखी है, माउंट केन्या जो कि पूर्वी अफ्रीका का है, जैसे किली मंजारो जो कि तंजानिया का ज्वालामुखी है, यूएसए के ज्वालामुखी माउंट वुड, माउंट रेनियर और माउंट सास्ता। ज्वालामुखी विलुप्त ज्वालामुखी अमृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। यहां आप देख सकते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो एक्टिव वॉल्केनो, एक सक्रिय ज्वालामुखी जहां से ज्वालामुखी नलिका के सहारे या वेंट हमेशा ज्वालामुखी मटेरियल से आच्छादित रहता है, यानी यहाँ पर उद्गार हमेशा होता रहता है। ऐसे ज्वालामुखी जो कंटिन्यूस लावा का उद्भेदन करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ज्वालामुखी को एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जिसका उदाहरण है माउंट एटना जो कि इटली का ज्वालामुखी है, माउंट स्ट्रॉम्बोलियन ज्वालामुखी। अब आते हैं डोरमेंट वॉल्केनोस। ये डोरमेंट वॉल्केनोस क्या होते हैं? ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जहां पर मैग्मा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ऐसा भूवैज्ञानिक कालक्रम के दौरान यानी भूतकाल में वहां पर कभी उद्भेदन हुआ है और अभी भी कभी वहां पर उद्भेदन हो सकता है। तो ऐसे स्थान पर अगर ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, वो एक तीव्र उद्गार के साथ होती है। यहां से निकलने वाला लावा है वो काफी गाढ़ा होता है और चट्टानों के टुकड़े संगठित रूप से यहां से बाहर निकलते हैं, तो यहां पर होने वाला विस्फोट अत्यधिक विनाशकारी होता है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन से होते हैं, यानी डोरमेंट ज्वालामुखी कौन से हैं? क्राकाटोआ जो कि जापान में है, माउंट विसुवियस ज्वालामुखी भी प्रक्षुब्ध किस्म का ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ये क्या होते हैं? मृत ज्वालामुखी जिनका उद्गार कभी हुआ था, लेकिन स्थान जहां पर मैग्मा बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है और यहां पर किसी प्रकार के टेम्परेचर की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसी के कारण से यहां पर जब सतह की बात करें तो ज्वालामुखी क्रेटर का छिद्र बंद हो जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लावा के द्वारा ये आच्छादित हो जाता है यानी बंद हो जाता है, और यहाँ के बीच में क्रेटर के बीच में जल भी भर जाता है, जिसे कहा जाता है क्रेटर झील, यानी यहाँ पर क्रेटर झील का निर्माण भी हो जाता है। तो ऐसे स्थानों पर
मृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर कभी भी ज्वालामुखी प्राप्त वापस से नहीं होंगे। जैसे माउंट पोपा जो कि म्यांमार में है, और तंजानिया का किलिमंजारो, आते हैं ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनती हैं, जो कि मैग्मा बनाता है। तो अंतर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियां, इंस्ट्रक्टिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स कौन सी होती हैं, जब मैग्मा भूप्रपट्टी के अंदर ही ठंडा हो जाता है और वहीं पर जमा हो जाता है, तो आंतरिक भाग पर मैग्मा जमा होने के कारण से बनने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। महास्कंद यानी बैथोलीथ, लेकोलीथ, लेपोलीथ और फेकोलीथ, सिल और डाइक बनते हैं। तो ये किस प्रकार से बनते हैं, पृथ्वी के सबसे आंतरिक वाले भाग में यानी सबसे गहराई वाले भाग में, जहां मैग्मा जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है यानी जम जाता है, तो उसे बैथोलीथ कहते हैं। फिर आते हैं जब मैग्मा का जमाव ऊर्ध्वाधर हो जाता है, यानी ज्वालामुखी नलिका है या ज्वालामुखी छिद्र बनता है, या ज्वालामुखी नलिका के सहारे ही नलिका के अंदर वर्टिकल जमाव हो जाता है, मैग्मा जमा जम जाता है, तो उसे डाइक कहते हैं, यानी डाइक कहते हैं इसे। फिर नेक्स्ट आता है कि डाइक के सहारे ही क्षैतिज रूप में इस प्रकार से एक नलिका बनती है और उस नलिका में जम जाता है आपका मैग्मा, तो उसे कहा जाता है सिल। ठीक है, जब वर्टिकल जमा होता है उसे डाइक कहते हैं, और जब क्षैतिज रूप से जमा हो जाता है तो उसे सिल कहते हैं। अब आता है लेकोलिथ, फेकोलिथ और बैथोलिथ। तो बैथोलिथ सबसे आंतरिक वाला भाग होता है, जब मैग्मा का जमाव एक गर्त में हो जाता है इस प्रकार से, एक गर्त संरचना में जमा हो जाता है, तो उसे कहा जाता है लेपोलिथ। ठीक है, लेपोलिथ। जब मैग्मा का जमाव एक ऊपरी वाली सरफेस की तरफ गुंबदनुमा आकृति में जम जाता है, तो उसे कहा जाता है लेकोलिथ। फिर आता है फेकोलिथ। तो जब आंतरिक भाग में, गर्त में और उभार में, दोनों में एक साथ से जमाव हो जाता है, यहां भी और यहां भी, तब उसे कहा जाता है फेकोलिथ। ठीक है, समझ गए होंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनने वाली स्थलाकृतियां, बैथोलिथ सबसे आंतरिक भाग में बनने वाली स्थलाकृतियां। फिर आता है लेकोलिथ। तो लेकोलिथ एक ऊपरी सरफेस में यानी एक उभार नुमा संरचना में जमा हो जाना, लेपोलिथ एक गर्त नुमा आकृति में जमाव हो जाना, फेकोलिथ एक उभार और गर्त दोनों में जमा हो जाने को फेकोलिथ कहते हैं। जब हॉरिजेंटल जम जाता है लावा या मैग्मा, तब उसे कहा जाता है सिल, और जब ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल जमाव होता है उसे कहा जाता है डाइक। आप देख सकते हैं, पीछे आपको समझा दिया है कि वॉल्केनिक ज्वालामुखी के आंतरिक भागों में बनने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं, जो कि वॉल्केनो द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां आंतरिक भाग में मैग्मा के ठंडा होने और जम जाने के कारण से बनती है, जिसे कहा जाता है सबसे आंतरिक भाग में बैथोलिथ, एक गुंबदनुमा आकार में जमा हो जाता है और एक बड़ा और विस्तारित रूप में बड़े क्षेत्र पर मैग्मा ठंडा होने से बनती है, उसे बैथोलिथ कहते हैं। और फिर आता है कि ज्वालामुखी नलिका के सहारे वर्टिकल जमाव हो जाने से डाइक बनता है, ज्वालामुखी नलिका के सहारे एक क्षैतिज रूप से जमे हुए लावा या मैग्मा के स्वरूप को हम सिल कहते हैं। फिर आता है लेकोलिथ। तो इस प्रकार से एक उभार नुमा आकृति में
ऊपर की ओर जमा हो जाता है उसे कहा जाता है लेकोलिथ। इसी प्रकार से एक गर्त में जमा हो जाता है तब कहा जाता है, इस प्रकार से गर्त में मैग्मा का जमाव हो जाने को कहते हैं लेपोलिथ। और सम्मिलित रूप से उभार और गर्त दोनों में जमा हो जाने से, यहां गर्त में भी मैग्मा जम जाता है और उभार में भी मैग्मा जम जाता है, तो उसे कहा जाता है फेकोलिथ। तो ये ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली कुछ शिलाकृतियां हैं। ज्वालामुखी द्वारा भारी वाले क्षेत्र में बनने वाली शिलाकृतियां, जिसे कहा जाता है सबसे पहले जहां ज्वालामुखी प्राप्त होता है, ऐसे स्थान पर वेंट कहा जाता है, वॉल्केनिक वेंट कहा जाता है। फिर आता है वॉल्केनिक क्रेटर, और क्रेटर ही जब गहरा हो जाता है तो उससे बनता है कॉल्डेरा। बैथोलिथ क्या होता है? ये बड़े चट्टान का समूह होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के ठंडा होने और जमने के कारण से बनते हैं। ये ग्रेनाइट निकाय है, यानी ग्रेनाइट के द्वारा बनने वाले जो भूआकार हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के ठंडा होने के कारण से बनते हैं। फिर आता है लेकोलिथ। तो लेकोलिथ क्या होता है? गुंबद बड़े, ये देखो, ये बहुत बड़े भाग पर गुंबद नुमा आकृति में चट्टान जब जम जाती है तो उसे बैथोलिथ कहते हैं, और छोटे रूप में जब गुंबद नुमा आकृति में जम जाता है मैग्मा तब उसे कहा जाता है लेकोलिथ। एक पाइप जैसी नली के जुड़ी होती है और यह मिश्रित ज्वालामुखी की सतही ज्वालामुखी गुंबदों जैसा दिखाई देता है, केवल ये अधिक गहराई पर स्थित होते हैं, जैसे कर्नाटक का पठार ग्रेनाइट चट्टानों की डोमल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें अधिकांश जो अब छूट चुके हैं लेकोलिथ या बैथोलिथ के उदाहरण हैं। अब आते हैं लेपोलिथ। तो लेपोलिथ क्या होता है? लेपो का अर्थ होता है कि जब गर्त नुमा आकृति में मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है तो एक तस्तरी या प्लेट नुमा आकृति में जम जाता है, अवतलन आकार का एक पिंड बनाता है, जिसे लेपोलिथ कहा जाता है। आगे आता है फेकोलिथ। तो फेकोलिथ क्या होता है? एक उभार शीर्ष और गर्त में, शीर्ष और गर्त दोनों में जमा हो जाने को कहते हैं फेकोलिथ। एंटीक्लाइन के शीर्ष पर घुसपैठ चट्टानों का एक लहरदार द्रव्यमान पाया जाता है, ऐसे लहरदार सामग्रियों में मैग्मा जमा होने से ही फेकोलिथ का निर्माण होता है। फिर आता है सिल या सीट। तो लावा की मोटाई के आधार पर क्षैतिज क्षैतिज निकट ठोस लावा परत को सिल या सीट कहा जाता है। मोटे निक्षेपों को सिल्स कहा जाता है, जबकि पतले जो निक्षेप होते हैं उन्हें शीट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डाइक्स। तो जब मैग्मा भूमि में विकसित दरारों और दरारों उन्हीं दरारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जमा होता है, वर्टिकल जमा हो जाता है। ऐसी संरचनाओं को बांध कहा जाता है। अधिकतर पश्चिमी महाराष्ट्र में ऐसे शिलाकृतियां देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये उन विस्फोट के पोषण हैं जिनके कारण डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। अब आ जाते हैं ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली बाहरी क्षेत्र की आकृतियों में। तो बहिर्वेधी ज्वालामुखी भू आकृतियां कौन कौन सी होती हैं? ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान सतह पर निकलने वाले पदार्थ से बहिर्वेधी भू आकृतियां बनती हैं। बाहर निकली सामग्री में लावा का प्रवाह, पायरोक्लास्टिक मलबा, राख, धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, हाइड्रोजन थोड़ी मात्रा में, क्लोरीन, आर्गन, हाइड्रोजन जैसी गैसें मिलती हैं। तो इन्हीं के द्वारा से जब सतह पर लावा जमता है उसके द्वारा कुछ भू आकृतियां निर्मित होती हैं। वो कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। मुख्य बहिर्वेधी भू आकृतियां निम्न प्रकार की हैं। तो वेंट या वेंट जो कि जिसे कहते हैं विदर। तो इस प्रकार से जहां से ज्वालामुखी प्राप्त होता है निर्मित जो आकृति है उसे हम वेंट कहते हैं। शंकु आकार वेंट, तो इस प्रकार से शंकु आकार वेंट होता है। फिर आता है मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है, जहां पर अपसारी प्लेटें होती हैं, वहां पर बीच में एक दरार के सहारे
ज्वालामुखी आते हैं और कटक का निर्माण होता है, तो कटक भी निर्मित होती है। ढाल के विभिन्न प्रकार बनते हैं, यानी सिल्ट्स टाइप बनते हैं। ज्वालामुखी क्रेटर बनता है, यानी ज्वालामुखी गड्ढा या ज्वालामुखी छिद्र जिसे हम कहते हैं। ज्वालामुखी काल्डेरा, जब इस प्रकार से ज्वालामुखी छिद्र है वो काफी धस जाता है, तो उसके द्वारा काल्डेरा का निर्माण होता है, लावा डोम बनते हैं। अब हिम विदर या वेंट क्या होते हैं? तो विदर या वेंट, ज्वालामुखी विदर एक संकीर्ण रेखिक ज्वालामुखी वेंट है, इस प्रकार से जिसके माध्यम से लावा फूटता है और आमतौर पर बिना विस्फोट गतिविधि के ही लगातार फैल विस्फोट होता रहता है। वेंट अक्सर कुछ मीटर चौड़ा होता है और कई किलोमीटर लंबा हो सकता है। बेसाल्टिक ज्वालामुखी ढाल के ज्वालामुखी में विदर छिद्र आम है। नेक्स्ट आता है कॉनिकल वेंट या शंकु आकार वेंट। तो एकदम बिल्कुल खड़े ढाल पर, यानी अम्लीय शंकु जहां बनते हैं, तो शंकु आकार छिद्र एक संकीर्ण बेलनाकार छिद्र होता है जिसके माध्यम से मैग्मा तेजी से बाहर निकलता है। शंकु आकार छिद्र एंटीसिटिक ज्वालामुखी या मिश्रित या स्ट्रेटो वाल्केनो में आम है। तो मैंने अभी बताया आपको कि अम्लीय जो शंकु होते हैं वो शंकु आकार वेंट का निर्माण करते हैं। माउंट फ्यूजियामा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मिड ओशियन रिज, ये मिड ओशियन रिज कौन सी होती है? मध्य महासागरीय कटक। तो मध्य महासागरीय कटक यानी प्लेट के अपसारी किनारे पर दोनों प्लेटों का मूवमेंट है, वो दोनों विपरीत दिशाओं में होता है। तो बीच वाले स्थान पर एस्थेनोस्फियर से मैग्मा सतह पर प्राप्त हो जाता है, जिससे एक कटक का निर्माण होता है। यानी महासागर के कटकों के मध्य भाग में बार बार विस्फोट होते रहते हैं। अब महासागर का मध्यवर्ती रीजन क्यों कहा है? क्योंकि अटलांटिक महासागर के बीच में अपसारी प्लेट के सहारे यहाँ कटक का निर्माण एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सभी महासागरीय घाटियों में 70,000 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है ये कटके, और मध्य महासागरीय कटकों में मध्य भाग में बार बार विस्फोट होते रहते हैं। लावा बेसाल्टिक कम सिलिका और इसलिए कम चिपचिपा होता है, तो समुद्र तल के फैलने का कारण है, क्योंकि समुद्र के तल के बीच में लगातार से कटक का निर्माण होता है और वहां पर मटेरियल है वो आता रहता है। एक्स्ट्रा मटेरियल आने के कारण से तली का भार बढ़ता है और तली का क्षेत्रफल भी अधिक घेरता है। वो मटेरियल और जल है वो तटों की ओर पहुंचता है या फिर ऊंचाई की ओर जल चढ़ता है, तो सागर तली के फैलने का कारण बनते हैं। समग्र प्रकार के ज्वालामुखी भूआकृतियां, तो ये शंकु आकार केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी भूआकृतियां हैं। एंटीसिटिक लावा के साथ बड़ी मात्रा में पायरोक्लास्टिक सामग्री यानी राख सतह पर आ जाती है। इसमें पायरोक्लास्टिक सामग्री के साथ एंडेसिटिक लावा वेंट ओपनिंग के आसपास जमा हो जाता है और जिससे परतों का निर्माण होता है, जिससे लेयर्स बनती हैं, और इसमें जिससे माउंटेन बनते हैं। एक मिश्रित ज्वालामुखी स्ट्रेटो वाल्केनो परतों में विभाजित रूप में दिखाई पड़ते हैं। सबसे ऊंचे और सबसे आम ज्वालामुखियों में मिश्रित शंकु पाए जाते हैं। माउंट स्ट्रॉम्बली, जिसे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, माउंट वेसुवियस, माउंट फ्यूजी इसके एग्जाम्पल हैं। ढाल प्रकार की ज्वालामुखी भूमि आकृति। सिल्ट टाइप के वॉल्केनो किस प्रकार से आकृति बनाते हैं? तो ढाल प्रकार की ज्वालामुखी भू आकृतियां किस प्रकार से बनती हैं? ये ज्वालामुखी अधिकतर बेसाल्टिक लावा, जो कि बहुत तरल से बने हुए होते हैं, और जहां से ऊंचाई से ज्वालामुखी प्राप्त होता है वहां से मेल्ट हुई चट्टाने नीचे की ओर आती हैं। अगर किसी तरह पानी वेंट में चला जाता है तो वो विस्फोटक हो जाते हैं, अन्यथा वे कम विस्फोटक होते हैं। उदाहरण हवाईयन ज्वालामुखी मोनोलोवा, सक्रिय ढाल ज्वालामुखी और मोनोकेया सुप्त ढाल ज्वालामुखी है, और किलयू सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है।
अब आते हैं विदर प्रकार की बाढ़ बेसाल्टिक भू आकृतियां, लावा के पठार कैसे बनते हैं? तो कभी कभी बहुत पतला और मैग्मा जो लावा होता है, मैग्मा जब सतह पर प्राप्त होता है यानी लावा जब सतह पर आता है तो दरारों के माध्यम से वो निकल जाता है और लंबे समय तक अंतराल तक बहता रहता है, एक विशाल क्षेत्र में फैल जाता है, अंत में एक परतदार लहरदार जैसी सपाट सतह का निर्माण कर देता है जिसे हम लावा पठार कहते हैं। जैसे साइबेरियन ट्रैप, दक्कन, भारत में दक्कन का पठार, स्नेक बेसिन, आइसलैंडिंग सिल्ड और कनेडियन सिल्ड भू आकृतियां हैं। ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाला गड्ढा जिसे कहा जाता है, जिस ऐसा छिद्र जिसके सहारे हमें ज्वालामुखी प्राप्त होता है, क्रेटर कहलाता है। एक उथले शंकु के आकार का छिद्र होता है जिसके माध्यम से मैग्मा बाहर निकलता है। जब ज्वालामुखी सक्रिय नहीं होता है तो गड्ढा एक कटोरे के आकार के अवसाद के रूप में दिखाई पड़ता है। इसी के अंदर जल भर जाने के कारण से क्रेटर झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट चलते हैं कॉल्डेरा। तो कॉल्डेरा किसे कहते हैं? जब क्रेटर या वीवर धस जाता है, उसकी गहराई अधिक हो जाती है तो उसके कारण से निर्मित होता है कॉल्डेरा। तो कुछ ज्वालामुखियों में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सतह के नीचे का मैग्मा कक्ष खाली हो जाता है और कक्ष के ऊपर का ज्वालामुखी पदार्थ खाली मैग्मा कक्ष में ढह जाता है। ढही हुई सतह पर बड़ी खोखले टब के आकार की यानी बड़ी आकृति में एक गड्ढा बन जाता है जिसे कॉल्डेरा कहा जाता है। जब बारिश या पिघली हुई बर्फ का पानी कॉल्डेरा में जमा हो जाता है उसे कॉल्डेरा झील कहते हैं। सामान्य तौर पर कॉल्डेरा झील को क्रेटर झील भी कहा जाता है। अपने अस्थिर वातावरण के कारण कुछ क्रेटर झीलें केवल रुक रुक कर ही अस्तित्व में आती हैं। इसके विपरीत कॉल्डेरा झीलें काफी बड़ी और लंबे समय तक चलने वाली हो सकती हैं। लगभग माउंट टोबा ज्वालामुखी के पास में टोबा क्रेटर में टोबा झील यानी इंडोनेशिया झील का निर्माण हुआ है जो लगभग 75,000 साल पहले सुपर ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद में उत्पन्न हुई झील है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। माउंट टोबा विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर निर्मित झील है। टोबा लेक लावा डोम। लावा डोम क्या होते हैं? बीच में ज्वालामुखी क्रेटर या छिद्र होता है, उसी के सहारे ज्वालामुखी गुंबज या टीले के आकार की आकृति उसके आसपास में बन जाती है जो ज्वालामुखी से चिपचिपे लावा के धीमी गति से बाहर निकलने के कारण से निर्माण होता है। लावा गुंबजों में छिद्र के चारों ओर चिपचिपा मैग्मा जम जाता है। तो मैग्मा के बाहर निकलने के लिए पर्याप्त गैस या दबाव नहीं होता है। हालांकि कुछ समय बाद पर्याप्त दबाव बनने के बाद वह विस्फोट से फट सकता है। अब देखते हैं ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में ज्वालामुखी का वितरण देखेंगे तो मेजर रीजन ऑफ वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले आता है बेल्ट बनती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो कि आपने सुन रखा है, भूकंप में पड़ा था। कि रिंग ऑफ फायर का मतलब ये है कि प्रशांत पेटी के यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर अभिसारी प्लेट का किनारा है और अभिसारी प्लेट होने के कारण से एक एक्टिव परत है, एक सक्रिय परत कही जाती है। यूरेशियाई प्लेट और पैसिफिक प्लेट जो कि पूर्व में टकराती है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और पैसिफिक प्लेट जो कि पश्चिम में टकराती है और पूर्व में टकराती है उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो कि कुछ छोटी प्लेटें गोंडा प्लेट, बाजा प्लेट, नाजका प्लेट से टकराने के कारण से चारों ओर पैसिफिक रीजन के चारों ओर रिंग ऑफ फायर माना जाता है। उसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रीजन में चारों तरफ अभिसारी प्लेट का किनारा पाया जाता है।
तो ये सबडक्शन जोन है, यहाँ पर लगातार ज्वालामुखी का उद्भेदन होता रहता है, यानी ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न आग हमेशा यहाँ पर जली रहती है इस रिंग के अंदर, इस छल्ले के अंदर, तो इसे ही कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसे कहा जाता है। अब आते हैं मिड अटलांटिक रीजन या मध्य अटलांटिक कटक के सहारे आने वाले ज्वालामुखी। तो बीच में जहां पर अटलांटिक महासागर है, अब यहां पर उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का मूवमेंट है वो पश्चिम की ओर हो गया है, जो कि अटलांटिक के मध्य से ही विस्थापित हुई है या गई है। तो बीच में अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच एक अपसारी सीमा का निर्माण होता है। यहां पर एक ऐसा आकृति की कटक का निर्माण होता है और उस कटक के सहारे लगातार ज्वालामुखी आने के कारण से ही कटक निर्मित हुई है। तो मिड अटलांटिक रीजन में सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। फिर आता है द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका की जो दरार घाटी है उसमें वॉल्केनो लगातार आते रहते हैं। वॉल्केनो आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है, जिसमें किलीमंजारो, माउंट केन्या, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस का क्षेत्र पाया जाता है, माउंट कैमरून जैसे एक्टिव वॉल्केनो यहां पर पाए जाते हैं दरार घाटी के सहारे। तो तीसरा रेंज ये है। फिर आते हैं फोर्थ बेल्ट पे, जो कि मेडिटेरियन रीजन है, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के सहारे ज्वालामुखी, जो कि मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र भी कह सकते हैं हम उसे, और मेडिटेरियन रीजन भी कह सकते हैं। तो भूमध्य सागर के साथ साथ या क्या किनारे के साथ या महाद्वीपों के बीच में आने वाले ज्वालामुखी को मेडिटेरियन रीजन वाले ज्वालामुखी कहा जाता है, जैसे माउंट विसुवियस, माउंट स्ट्रॉम्बली, माउंट एटना, ये सभी ज्वालामुखी जो कि भूमध्य सागर के बीच में आते हैं। अदर रीजन, तो अलग वाले रीजन कौन से हैं जिसमें एशिया और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के वॉल्केनो शामिल हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को देखिए, तो रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है इसे? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक अभिसरण का क्षेत्र है। इसमें कुछ छोटी प्लेटें जो कि बाजा प्लेट है, गोंडा प्लेट है और नाजका प्लेट है, ये नाजका प्लेट है, जिसका मूवमेंट पूर्व की तरफ है, और उत्तरी अमेरिकी प्लेट जिसका मूवमेंट पश्चिम की ओर है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट का मूवमेंट भी पश्चिम की ओर होने के कारण से यहां पर अभिसारी प्लेट का किनारा पाया जाता है और यहां पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब आते हैं पश्चिम की ओर वाली रिंग में। तो पश्चिम वाले रिंग की जो वाल है वो कैसे बनती है, जिसमें अभिसारी प्लेट का किनारा ही पाया जाता है, क्योंकि यहां पर यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो कि पूर्व की तरफ विचरण करती है, पूर्व की तरफ चलती है, साथ में ही प्रशांत महासागर जो फिलीपींस और जापान के ऊपर अभिसरित तो होती है इन प्लेटों से, और जिसके कारण से पैसिफिक रीजन के बीचों बीच में एक रिंग ऑफ फायर का निर्माण करती है। तो रिंग ऑफ फायर क्या होते हैं, जो कि एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं इस अभिसारी प्लेट के किनारे के सहारे आते हैं, जिसमें यूएसए के ज्वालामुखी हैं, और इस प्लेट के बीच में, पैसिफिक प्लेट के बीच में हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जापान का क्राकाटोवा ज्वालामुखी,
नेक्स्ट वाली बेल्ट है यूरोपियन यूरेशियाई प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के कारण से अभिसरित जो चट्टाने हैं या भूखंड है उनके द्वारा रिंग ऑफ फायर का निर्माण होता है। फिलीपींस प्लेट, फिजी प्लेट, जिनके अभिसरण के कारण से रिंग ऑफ फायर बनता है। मध्य अटलांटिक कटक के सहारे जब ज्वालामुखी प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो कि अटलांटिक महासागर के नीचे भी विद्यमान थी, प्लेट का संचलन है वो पश्चिम की ओर होता है, जिसके कारण से अटलांटिक के बीचों बीच ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है और इसी के सहारे कटक का निर्माण होता है। यूरेशियाई प्लेट का मूवमेंट पूर्व की तरफ होता है और अफ्रीकन प्लेट का मूवमेंट भी पूर्व की ओर होता है, तो अपसरण के कारण से यहाँ पर ज्वालामुखी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये थे ज्वालामुखी के प्रकार और ज्वालामुखी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। इसके साथ ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हिमालय की किस भाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक सर्वाधिक है? तो पूर्व से और पश्चिम तक हिमालय का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक सर्वाधिक पाया जाता है, यानी प्रादेशिक विभाजन के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन बी असम हिमालय, ऑप्शन सी पंजाब हिमालय और ऑप्शन डी नेपाल हिमालय। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।